गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय खुशवंत सिंह एंड इफ़ यू ऑल हैव सम इंटरेस्ट इन रीडिंग या अगर आपको खुशवंत सिंह जी के बारे में पता होगा तो आप जानते होंगे कि उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत कैची है एंड जब भी आप उनकी कोई राइटिंग पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू फील दैट यू आर एब्सोल्युटली कनेक्टेड टू द टेक्स्ट. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ वन सच टेक्स्ट. ये स्टोरी हमें पता है कि खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी के लिए लिखी या इस पूरे स्टोरी में जिस ग्रैंड मदर की बात हो रही है वो खुशवंत सिंह की दादी की बात हो रही है. ओके, सो इफ़ यू हैव गिवन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट अ रीड तो आप लोगों ने हर जगह पे पाया होगा दैट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज़ वेरी इमोशनल एंड इट्स समथिंग यू नो आप जिसके साथ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं. आप अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहे हैं, आपकी दादी नानी को देख रहे हैं, उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आप देख रहे होते हैं कि लाइक कोई किसी की दादी होती है जो पूरे समय कुछ आपको मॉरल स्टोरीज बता रही होती हैं, कोई दादी ऐसी होती है जो पूरे समय प्रे कर रही होती है, माला जप रही होती है, उसमें कुछ चैंट्स कर रही होती हैं, राइट. वन सच लेडी वॉज खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मदर. अभी हम उनके बारे में ये स्टोरी पढ़ लेते हैं. ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ लाइन बाय लाइन रीड करूँगी और आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी सो दैट इफ़ यू लिसन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो वेरी केयरफुली आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए ये टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देर वुड बी नो डाउट्स रिमेनिंग. ऑलराइट, सो आई वुड जस्ट स्टार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. फाइन, बिफोर वी स्टार्ट यहाँ पे दिया हुआ है नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन फर्दर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. तो आपको टेक्स्ट में ये कुछ एक्सप्रेशंस है जो मिलेंगे उसको हम पढ़ते जाएंगे. मैं आपको उसकी मीनिंग बताते जाऊँगी कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का वहाँ पर क्या काम है. फाइन, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन. सबकी दादियाँ बुजुर्ग होती हैं, मेरी दादी भी बुजुर्ग हैं. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जब से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को देखना शुरू किया है वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 20 सालों से अपनी दादी को इतना ही बुजुर्ग देख रहा हूँ. क्या होता है, आप नोटिस करेंगे अगर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा आपको लगता होगा कि कितने समय से उनके फेस में कोई चेंजेस नहीं है. उनके फेस में वो रिंकल्स आपने हमेशा से देखे होंगे, उनके बाल वैसे ही, सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद बाल आपने हमेशा से देखे होंगे. वही बात यहाँ पे हमारे राइटर भी कह रहे हैं कि 20 साल से मैं अपनी दादी को इसी स्टेट में देख रहा हूँ. शी इज़ सेम एज इट इज़ फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी and had even had a husband, but that was hard to believe. अब लोग कहते हैं कि मेरी दादी किसी समय बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, बड़ी सुंदर हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, मतलब उनके grandfather, खुशवंत सिंह के grandfather. But what does he say? That was hard to believe. For this, for खुशवंत सिंह it was hard to believe that उनकी दादी कभी खूबसूरत भी हुआ करती थी. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. ये सब उनके दादाजी के बारे में बात हो रही है जिनकी एक तस्वीर ड्राइंग रूम में लगी हुई है. उसमें वो अपने दादाजी को देख सकते हैं जिनकी काफ़ी बड़ी हुई दाढ़ी है और टर्बन है एंड ही लुक लाइक somebody अराउंड 100 ईयर्स ऑफ एज. तो उनके दादाजी की जो फोटो लगी हुई है उससे देखकर समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति उस फोटो में वो काफ़ी बुजुर्ग हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children. एक और बात कह रहे हैं यहाँ पर खुशवंत सिंह क्या कि उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनकी कभी वाइफ या उनके कोई बच्चे रहे होंगे. He seems to be that old and such kind of a person. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो इतने बुजुर्ग थे उनको देख के लगता है बस उनके grandchildren ही होंगे, उनकी अपनी वाइफ या अपने बच्चे नहीं होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ये हमने just 2 मिनट पहले पढ़ा था, this thing hard to believe. The same thing is repeated here. The thought of my grandmother being beautiful and pretty, मैं उस बात को नहीं मान सकता. He says that it is hard for me to believe. This thought is revolting. कि यार beautiful मेरी दादी नहीं, I don't think so. This is what he is trying to say. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब दादी का भी एक बचपन था,
खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी ऐसे खेल खेलती थी, ऐसे गेम्स खेलती थी जो सुनने में ऐसा लगता है कि तो पॉसिबल ही नहीं, कौन ऐसे खेल खेलता होगा, कौन ऐसे मैदानों में दौड़ लगाता होगा, कौन ऐसे, अब पुराने समय में तो और बहुत ऐसे आउटडोर गेम्स हुआ करते थे जिनके बारे में शायद हम लोगों ने बहुत कम सुना है। तो जब खुशवंत सिंह की दादी खुशवंत सिंह से ये सारी बातें कहती थी कि हमने ये गेम्स खेले हैं, आउटडोर हमने ऐसा खेल खेला है, हम ये करते थे, तो कहते ये सब सुन के ऐसा लगता है कि किसी मंदिर का पुजारी कोई ऐसी पौराणिक कथा बता रहा है जिसका कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, जो रियलिटी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता है, वो ऐसी स्टोरीज लगती थी उन्हें। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी आपने देखा होगा, बुजुर्ग हैं थोड़े से, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े से हेल्दी होते हैं, फैट होते हैं एंड स्लाइटली बेंट होते हैं, मतलब झुक गए होते हैं ना बिकॉज ऑफ द एज, वो थोड़े से बेंट होकर चलते हैं। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हम सबके ग्रैंड पेरेंट्स के चेहरे में हमने देखा होगा, उनके चेहरे में कितने सारे रिंकल्स होते हैं, हर जगह रिंकल्स, फोरहेड पे, गाल पे, नोज पे, एवरीवेयर, राइट। शी हैड नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो क्या कह रहे हैं, नहीं मुझे तो, मैं तो सर्टेन हूँ, या हम लोग तो पक्का ये कह सकते हैं कि जैसा हम अभी दादी को देख रहे हैं, दादी हमेशा से ऐसी ही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अब मेरी दादी इतनी बुजुर्ग हैं, उनको देख के लगता है इससे ज़्यादा बुजुर्ग तो कोई और हो नहीं सकता। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। ना आप बोलोगे कि प्रिटी भी, ब्यूटिफुल भी, सो सी द थिंग इज प्रिटी एंड ब्यूटिफुल आर, येस ऑब्वियसली दे आर काइंड ऑफ सिनोनिमस, दे आर सिनोनिमस वर्ड्स, बट देन यहाँ पर प्रिटी का मतलब है जिसको देख कर आप उसके लुक्स के थ्रू बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो लेडी बहुत खूबसूरत है। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो खूबसूरत नहीं थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन शी यूज टू कैरी एन ऑरा विद हर। उनको देख के बहुत पीस फील होता था, उनको देख के बहुत कामनेस फील होता था, वो बड़ी शांत स्वभाव की थी एंड दैट इज़ व्हाट यूज टू मेक हर ब्यूटीफुल। सो दैट इज़ वाई इन अ सेम सेंटेंस खुशवंत सिंह जी इज सेइंग दैट माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रिटी बट शी वॉज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एज इन शी कैरिड अ वेरी कामफुल ऑरा विद हर, राइट। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड दी अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब वो घर में दिन भर घूम रही होती थी बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहनकर, एक हाथ उनका उनके कमर पे हुआ करता था, एज शी वॉज बेंट शी यूज टू वॉक लाइक दैट, एंड एक हाथ में उनकी माला हुआ करती थी, रोजरी इज दी माला हियर। आप लोगों ने देखा होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ माला लेकर जप रहे होते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं, सो दैट इज वॉट दिस रोजरी इज हियर। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। सो अब उनकी जो सिल्वर लॉक्स थे, उनके जो सफ़ेद बाल थे, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। पेल मीन्स बोलना चाहिए चेहरे में कोई वैसा ग्लो नहीं था, जब इंसान यंग होता है तो उसके चेहरे में ग्लो होता है और जब बुजुर्ग होने लग जाता है तो उनकी स्किन खराब होने लगती है, सो दैट बिकम्स, दैट इज़ वॉट पेल इज बींग मेंट हियर बाय। ओके, तो उनका फेस जो है वो पेल होने लग गया है, और पकर्ड इन द सेंस हर जगह फेस में झुर्रियाँ हैं, सलवटें हैं चेहरे में, दैट इज़ वॉट पकर्ड फेस इज एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और दिन भर दादी कुछ ना कुछ प्रे कर रही होती थी जो सुनाई नहीं पड़ता था। इनऑडिबल प्रेयर मतलब धीरे 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 कुछ 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 बोल रही, बट वो क्या बोल रही है वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। येस शी वॉज ब्यूटिफुल, वॉट डज खुशवंत सिंह से, येस शी वॉज ब्यूटिफुल। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। मतलब आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में, या अगर आप कहीं गए होंगे ट्रैवल करने किसी हॉलीडे में, वेकेशन में, जहाँ पहाड़ है और पहाड़ों पर बर्फ है, तो हाउ डू दे लुक सो सीरेन, सो काम, कितना अच्छा लगता है उन्हें देखकर। मेरी दादी वैसी ही थी, एक खूबसूरत विंटर लैंडस्केप की तरह, जिसको देखकर ऐसा लगता है यहाँ पर कितनी शांति है, देर इज़ सो मच कंटेंटमेंट, देर इज़ सो मच हैप्पीनेस, इंसान अपने अंदर ही कितनी खुशी समेट लेता है उस ब्यूटीफुल सीनरी को देखकर। माय ग्रैंड मदर वॉज समबडी लाइक दैट, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स, अब आप भी अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर या अपने मैटरनल ग्रैंडमदर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं ना, जहाँ पे आप उनसे सब चीज़ शेयर करते हैं, लाइक
I don't know if you share that kind of bond at this age or not, but I'm sure you remember the days जब आप अपने grandparents के साथ हर चीज़ शेयर करते थे. आपकी हर जिद मम्मी पापा नहीं सुनते थे, लेकिन आपको पता होता था कि आपकी जिद कहाँ पूरी होगी, एंड दैट प्लेस वॉज योर grandparents, राइट. सो आप क्या करते हैं, एक फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं अपने grandparents के साथ. दैट इज़ वॉट खुशवंत सिंह इज ऑल्सो सेइंग, दैट आई हैड दिस वेरी गुड फ्रेंडशिप विद माई grandmother. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो जब मेरे मम्मी पापा शहर गए हुए थे, वहाँ रह रहे थे, तब मैं यहाँ अपनी दादी के साथ रहता था. कहाँ रहता था? विलेज में, ठीक है. She used to wake me up in the morning and get me ready for school, right? She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen to and get to know it by heart. अब जब तक मेरी दादी मुझे नहलाती थी, तैयार करती थी, सब करती थी, मुझे नींद से जगाना, नहलाना, धुलाना, मुझे स्कूल के लिए रेडी करना, ये सारा काम मेरी दादी करती थी. और जब तक वो मुझे तैयार करती थी, she used to constantly chant these prayers. और उनको ऐसा लगता था कि शायद कम से कम मैं सुन के ये सब सीख जाऊँगा, राइट. But what is happening here? I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. मेरी दादी का ऐसा लगता था कि शायद मैं सुन सुन के उन prayers को या जो भी वो कह रही उन्हें सीख लूँगा, but मैंने सीखा नहीं. मैं सीखने के इरादे से उन prayers को या उन chants को नहीं सुनता था. मैं इसीलिए सुनता था because I loved my grandmother's voice. मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी और इसीलिए मैं सुन रहा होता था. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. अब दादी क्या करती थी, पहले तो अब आजकल देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, आईपैड में पढ़ रहे हैं या हमारे क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं जो आजकल बहुत एडवांस्ड है, राइट. सो अब उस समय क्या होता था, रह रहे थे गांव में, दादी क्या करती थी, सुबह तैयार करती थी उन्हें और उनके स्कूल के सारे सामान को भी तैयार करती थी. शी यूज़ टू क्लीन द चॉक, सॉरी क्लीन द स्लेट, एंड देन शी यूज़ टू हैव दिस लिटिल अर्दन पॉट, अर्दन इंक पॉट, मिट्टी का छोटा सा इंक पॉट हुआ करता था, उस इंक पॉट को भी प्रिपेयर करके रखती थी और सारा चीज़ को एक साथ ऐसे बंडल में बांध के उनको देती थी कि चलो बेटा स्कूल चलें. Right now, what is next? After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि वो नाश्ते में क्या खाते थे. He used to have this stale chapati. Stale means रात की बची हुई बासी रोटियाँ खाते थे, उस पर थोड़ा सा बटर एंड शुगर लगाकर, और वो खाने के बाद वो स्कूल चले जाते थे. एंड दादी यूज़ टू कैरी सम एक्स्ट्रा चपातीज विद हर फॉर होम फॉर दी विलेज डॉग्स, फाइन. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी दादी मेरे साथ स्कूल हमेशा जाती थी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो वहाँ के प्रीस्ट थे, जो मंदिर के जो पुजारी थे, वही हमारे शिक्षक थे, वही हमारे टीचर थे. वो हमें प्रेयर्स सिखाते थे और क्या सिखाते थे, हमें अल्फाबेट सिखाते थे. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट ऑल द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. अब जब सारे बच्चे एक साथ बैठ के अल्फाबेट्स बोल रहे होते थे या मॉर्निंग प्रेयर्स को रट रहे होते थे, ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर याद कर रहे होते थे, उस समय दादी क्या करती थी, मंदिर के अंदर बैठ कर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. वहाँ कुछ बुक्स होती थी, पुराने कुछ ग्रंथ वगैरह हुआ करते थे, मेरी दादी उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब जब हम लोगों का काम हो जाता था, मेरा स्कूल ख़त्म और दादी का टेम्पल विजिट ख़त्म, तब एक्चुअली दादी वहाँ पर इसलिए बैठी होती थी बिकॉज मंदिर है वहाँ पर, उनका ग्रैंड चाइल्ड भी स्कूल में है, तो जब तक उनका ग्रैंड चाइल्ड स्कूल में है तो वो टेम्पल में बैठी होती थी. अब जब स्कूल ख़त्म तो दादी भी टेम्पल से निकल पड़ती थी, और जब वो दोनों घर की ओर जा रहे थे तब रास्ते में वो विलेज डॉग्स उन्हें मिलते थे मंदिर के गेट पर या मंदिर के डोर पर, और वहाँ दादी उनको वो रोटियाँ देती थी जो हमने पढ़ा कि रात की रोटियाँ होती थी, रात की बची बासी रोटियाँ हुआ करती थी, जिसको दादी पैक करके अपने साथ रख लेती थी. अब जब तक हम घर जा रहे थे तब ये जो डॉग्स है दे फॉलोड अस टू आर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. एक जैसे लड़ रहे होते हैं, कभी होता है ना एक ग्रुप ऑफ डॉग्स को आप कभी रोटी डाल के देखना, उन सबको भूख लगी तो कैसे लड़ रहे होते एक दूसरे से, द सेम थिंग यूज टू हैपन हियर.
व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस. अब क्या हुआ, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में, अभी तो पेरेंट्स विलेज में नहीं थे, देवर इन द सिटी, नाउ एज देवर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, मीन्स अब वहाँ पे उनके पेरेंट्स अच्छे से सेटल डाउन हो चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको बुला लिया अपने पास. किसको, दादी को और खुशवंत सिंह को. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. यहाँ से क्या होता है, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, मीन्स यहाँ पर आप एक एजम्पशन लगा सकते हो कि शायद यहाँ से खुशवंत सिंह और उनकी दादी थोड़े थोड़े से दूर होते चले गए, बिकॉज एज ऑफ वॉट वी रेड वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे हैड दिस वेरी स्पेशल बॉन्ड, राइट. बट देन अब जब उनको सिटी जाना पड़ा, तब यहाँ से कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि यहाँ से हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया. आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ टर्निंग पॉइंट, व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू चेंज. तो यहाँ से उनकी चीज़ें चेंज होने लगी थी. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम रहते एक कमरे में थे, बट पहले क्या होता था, दादी मुझे स्कूल लेकर जाती थी, बट नाउ माई ग्रैंड मदर कुड नॉट टेक मी टू स्कूल. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. अब मेरी दादी मेरे साथ क्यों नहीं आ पाती थी, क्योंकि मैं जाता था एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में और मुझे लेने के लिए एक बस आती थी. तो ऑब्वियसली पहले विलेज में रहने से क्या होता था, दे यूज़ टू वॉक टुगेदर. अब तो स्कूल दूर है घर से, तो दादी कैसे पैदल जाएगी उनको छोड़ने. दे यूज़ टू गो विद स्टूडेंट्स यूज़ टू गो इन द बस. देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस. अब वहाँ पर तो स्ट्रीट डॉग्स थे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर दादी ने एक नया चीज़ शुरू किया, एंड दैट वॉज वॉट शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस. वहाँ पे स्पैरोज हुआ करती, छोटी छोटी बर्ड्स होती है स्पैरोज, उनको उन्होंने फीड करना शुरू किया, उनको उन्होंने खाना खिलाना शुरू किया. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम. शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. अब क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा दिन आने लग गया कि मेरी और दादी की मुलाकात कम होने लग गई. अब उसके बाद कुछ समय तो ये भी चलता रहा कि दादी मुझे नींद से जगाती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, फिर मैं घर आकर उनसे बताता था कि स्कूल में आज मैंने क्या क्या सीखा. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा. अब ये सारी जितनी बातें थी, जब मैं अपनी दादी को बताता था, उससे क्या होता था, दिस मेड हर अनहैप्पी. ये सब बातें सुन के दादी यूज़ टू गेट अनहैप्पी, उनको अच्छा नहीं लगता था ये सब, राइट. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. पहले वो ऐसी चीज़ें पढ़ती थी जिसमें दादी कुछ हेल्प कर सकती थी, मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह सीखते थे स्कूल में, कुछ ऐसी चीज़ें सीखते थे जो दादी को आती थी. बट ये सारी जितनी चीज़ें लिखी हुई, दिस वेस्टर्न साइंस, दीज इंग्लिश वर्ड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब तो दादी को आता ही नहीं था. ओके, सो शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. अब दादी तो दादी है, शी वॉज अनहैप्पी. वाई, बिकॉज तुम्हारे स्कूल में भगवान से जुड़ा हुआ कुछ नहीं पढ़ाते. कई दादियाँ ऐसी होती है, ये तुम लोग क्या पढ़ते हो, ये तुम लोग क्या देख रहे हो. दादी लोग की आदत होती है ना, आप टीवी में कुछ ऐसा देख रहे हो जिनको समझ नहीं, तो बोलती ये क्या फालतू चीज़ देख रहे हो, क्योंकि दादियों को उसकी नॉलेज नहीं होती, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को उसकी जानकारी नहीं होती, तो उनके लिए वो चीज़, वो कभी जल्दी से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शी यूज़ टू गेट सो अनहैप्पी. ये सब चीज़ सुन के बोलती है, ये क्या चीज़ें पढ़ते हो तुम लोग, तुम्हें भगवान के बारे में या किसी पौराणिक कथा के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता क्या. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. अब एक दिन मैंने अपनी दादी को बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स मिल रही, हम म्यूज़िक सीख रहे हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ग्रैंड मदर वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, मतलब उनके म्यूज़िक मतलब फालतू काम, फालतू लोग ये काम करते हैं. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक. दो ये बात सही नहीं है, नॉट एवरीबडी थिंग्स लाइक दिस, बट देन दादी, पुराने ज़माने की दादी, पुराने ख्याल रखने वाली दादी, उनका ऐसा लगता है जो लोग सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, वो ऐसे गाना गाकर घूम घूम कर पैसे कमाते हैं. दैट इज़ वॉट दादी यूज टू थिंक. ओके, She said nothing but her silent meant disapproval. दादी ने ऐसे कुछ बोला तो नहीं, क्योंकि दादी की ये सोच थी कि ये सब जो म्यूज़िक व्यूजिक सीखने का है ना, ये अच्छे लोग, अच्छे घर के लोग ही नहीं करते, राइट. दैट इज़ द स्टेटमेंट, ये अच्छे घर के लोग नहीं करते, ये लोग जो फालतू लोग होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता, वो लोग ही म्यूज़िक व्यूजिक सीखना करते हैं. उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर. उसके बाद तो दादी ने मुझसे बहुत कम बात की. शी रियली talked to me after, बहुत कम हो गया.
When I went up to university, I was given a room of my own. अब जब मैं university जाने लगा, I finished my schooling and when I started going to university, I was given a room of my own. मैं now he was a grown-up boy, so he was given a separate room. The common link of friendship was snapped. अब क्या हो रहा था, इनके बीच एक लिंक बचा हुआ था. कम से कम वो लोग एक रूम शेयर करते थे. कभी ना कभी दिन के किसी भी समय तो एक नंबर दोनों इकट्ठे बैठते ही थे. लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, दैट कनेक्शन वॉज ऑल्सो स्नैप्ड. अब वो भी नहीं रहा. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. दादी ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जो हो रहा है चलने दो. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. स्पिनिंग व्हील मतलब आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी का चरखा, दैट इज़ द स्पिनिंग व्हील. सो दादी या तो उसमें बैठकर कुछ कर रही होती थी या वो स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठी होती थी, बट उसको छोड़ के कभी उठती नहीं थी. शी रेयरली लेफ्ट द स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. वो किसी से बात नहीं करती, बस अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठी होती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. अब दादी वहाँ पर अपनी spinning wheel को चलाती रहती थी दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक वही काम करती थी. और वो चरखा चलाते हुए, वो spinning wheel चलाते हुए she used to say her prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. अब जब दोपहर का टाइम होता था उस समय दादी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती थी. और उसमें भी वो क्या कर रही होती थी, she used to feed the sparrows, she used to feed the birds. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब जब दादी उन चिड़िया लोग को, उन स्पैरोज को ब्रेड्स खिलाने जाती थी, उनको खाना खिलाने जाती थी, तो उस समय कितनी हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, बहुत बहुत सारी चिड़िया आ जाती थी. तो उस समय क्या होता था, वो सारी चिड़िया मिलके बहुत शोर करती थी, अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग. सारी चिड़िया एक साथ हल्ला कर रही होती थी, सारी चिड़िया एक साथ आ जाती थी. सो इट यूज़ टू बी हंड्रेड्स ऑफ चिड़िया, मतलब बहुत सारी चिड़िया वहाँ कर हल्ला कर रही होती थी. सम केम एंड पर्ज्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर. जस्ट इमेजिन कितना प्यारा सीन हुआ करता होगा कि दादी के पैरों पर, उनके शोल्डर्स पे, उनके सर पर, सब जगह बर्ड्स बैठ जा रही हैं. She smiled but never shooed them away. Such a peaceful and beautiful soul this dadi was. चिड़िया उनके सर पे बैठे, शोल्डर पे बैठे, पैर पे बैठे, कहीं भी बैठे, कितना भी हल्ला करे, बट दादी नेवर यूज टू शू देम अवे. कभी उनको दादी भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. ये जो टाइम हुआ करता था इन बर्ड्स के आने का, दादी को उनको खाना खिलाने का, दिस टाइम वॉज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर. दिन का आधा घंटा उनके लिए, ये जो दिन का आधा घंटा होता था, दिस यूज टू बी द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर हर. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब जब मैंने decide किया कि मैं abroad जाऊँगा, out of the country में जाऊँगा अपनी further studies के लिए, तब मुझे ये तो पक्का था that my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age, one could never tell. मैं 5 साल के लिए अलग रहूँगा दादी के, उसके बाद उनकी जो उम्र, उसको देखकर कहा नहीं जा सकता कि कल क्या होगा. बट माय ग्रैंडमदर कुड, शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. मुझे लगा था कि दादी बहुत नाराज़ होंगी, बहुत अपसेट होगी, और उनका एज भी ऐसा था ना कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए. बट शी हैड सच कंट्रोल ओवर हर फीलिंग्स, ओवर हर सेल्फ. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. She was not sentimental at all. उन्होंने कुछ भी शो नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. दादी उन्हें स्टेशन छोड़ने गई थी, बट शी डिड नॉट रिएक्ट, शी डिड नॉट शो एनी इमोशन, वेदर शी इज़ फीलिंग सैड और शी इज़ हैप्पी और वट एवर, नथिंग. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead and when I left, I cherished the moist imprint on as perhaps the last sign of physical contact between us. Why does he say so? That perhaps the last sign of physical contact between us, because dadi ki age hi aisi thi. He thought that 5 saal baad shayad main wapas aunga to meri dadi se shayad mulaqat nahi hogi. Unhe aisa laga tha, because dadi was quite old, the grandmother was quite old. So what she did not react, right? And she just kisses the forehead of her grandchild and bids him a goodbye. Okay? And what he does, what the writer does, I cherish the moist imprint. उन्होंने उस मॉइस्ट
किसको, जो उनके फोरहेड पे उनकी दादी ने दिया था, उन्होंने उसको बहुत चेरिश किया कि प्रोबेबली दिस इज द लास्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. अब मेरी दादी मुझे जैसे छोटे, जब हम छोटे होते थे तो हमारे दादा दादी हमें कितना पास बुला बुला कर प्यार करते थे और कितना हमें लाड़ और दुलार करते थे, बट अब शायद ये, अब मैं 5 साल के दूर जाऊँगा तो शायद अब दादी का ये जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है, जो दैट लव लवेबल टच, वो जो प्यार भरा टच है मेरी दादी का, शायद मुझे अब दोबारा नहीं मिलेगा. बट दैट वॉज नॉट सो. क्या हुआ यहाँ पर? दैट वॉज नॉट सो, दिस वॉज अ गुड थिंग. ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं 5 साल बाद वापस आया, बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. मैं 5 साल बाद घर आया और मेरी दादी से मैं मिला स्टेशन पे. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्ड. अभी भी दादी वैसे ही है. हमने स्टार्टिंग से पढ़ा दादी वैसी है, अभी भी दादी इतने साल बाद भी वैसे ही है. अभी भी उनकी उम्र में कोई चेंज नहीं आया. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. और अभी भी उनके ज़बान पे वो प्रेयर्स ही चल रहे हैं. शी कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन मर्मरिंग द प्रेयर्स. अभी भी उनके ज़बान से कोई बात नहीं निकला, बट सिर्फ प्रेयर्स निकल रहे हैं. And while she clasped me in her arms, I could hear the reciting her prayer. And when Dadi gave her grandchild a hug, when she embraced him, उस समय भी उनको, उन्होंने कुछ बोला नहीं, but जब उन्होंने दादी को गले लगाया तब उनको कान में उनके prayers सुनाई पड़ रहे थे. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. मतलब अब जैसे मैं वापस आया हूँ उसके बाद भी दादी मेरे आने से उतनी खुश नहीं थी जितनी उन स्पैरोज के साथ टाइम स्पेंड करके खुश थी. और उस दिन दादी थोड़ी ज़्यादा देर बैठी. होम शी फेड लॉन्गर. दादी और ज़्यादा समय उनके साथ बिताई उनके साथ. और सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पे क्या लिखी हुई है, फ्रिवोलस रिब्यूक्स. उनको वो चिड़िया से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी, उन्हें प्यार से डांटती थी. एंड द बर्ड्स वर ऑल्सो लाइक सच कि वो कभी दादी से डरते नहीं थे. दादी उनके साथ टाइम स्पेंड कर कितनी यूज टू हो चुकी थी. एंड द स्पैरोज वर ऑल्सो सो यूज टू विद दादी दैट दादी उनको प्यार से, दीज फ्रिवोलस रिब्यूक्स मतलब विच इज़ नॉट मेंट टू हार्म समबडी, वेरी पोलाइट तरीके से बहुत प्यार से किसी को हम डांटते हैं, दैट इज़ दी फ्रिवोलस रिब्यूक. सो दादी उन छोटे छोटे स्पैरोज को डांट रहे थे, बट स्पैरोज कभी बुरा नहीं मानते थे. एंड दैट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हर. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द वमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. अब शाम को दादी के बिहेवियर में एक चेंज दिखने को मिला. क्या किया दादी ने? शी डिड नॉट प्रे. उस दिन दादी ने प्रेयर नहीं किया. वॉट शी डिड, शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. अब इस समय क्या किया दादी ने? दादी ने एक पुराना सा ड्रम उठा लिया कहीं से, वो सम काइंड ऑफ आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू से दैट, बट देन देर वॉज समथिंग जिसको दादी कैन प्ले. कोई ड्रम था, कोई बजाने वाली चीज़ थी, सम इंस्ट्रूमेंट वॉज देयर. ओके, सो व्हाट शी डिड, शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन फ्रॉम हर नेबरहुड एंड व्हाट शी डिड, शी कलेक्टेड एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. अब दादी प्रेयर छोड़ के उस दिन गाना गा रही थी. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड the sagging skins of the dilapidated drum. अब वो जो instrument था, जो ढोलक, right, ढोलक जो था, वो क्या हो रहा था, उसको बजाते हुए दादी इतने घंटों तक गाना गाती रही, इतने घंटों तक गाना गाती रही कि जिसकी कोई वो ही नहीं है. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिटेटेड ड्रम. मतलब वो उस ढोलक की हालत बहुत ख़राब थी, काफ़ी पुराना ढोलक था एंड उसकी हालत बहुत ख़राब थी. एंड शी केप्ट सिंगिंग फॉर सेवरल आवर्स एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. वॉरियर्स जब घर आते तो जो खुशी के गीत गाए जाते हैं, वो ऐसे खुशी के गीत गा रही थी. We had to persuade her to stop. हमें उनको बोलना पड़ा कि अब आप गाना गाना बंद करिए, to avoid overstraining, because somebody of her age would obviously get very overstrained, overtired, ना. So that is what they tried to do. उन्होंने कोशिश किया कि दादी को रोका जाए. That was the first time since I had known her that she did not pray. और जब से मैं उनको जानता हूँ, वो पहला दिन था जिसमें दादी ने pray नहीं किया. The next morning she was taken ill. अगली सुबह उनकी तबीयत ख़राब हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्हें थोड़ा सा फीवर था, डॉक्टर ने कहा कि ये फीवर चला जाएगा, बट मेरी दादी ने दूसरी तरीके से सोचा. शी थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. दादी ने क्या बोला कि मेरा अंत करीब है. मीन्स शी थॉट दैट शी इज़ अबाउट टू डाई नाउ.
She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब उनका कहना था कि ये जो मेरे लाइफ के कुछ थोड़े से टाइम बचे हैं उसमें प्रेयर छोड़ उन्होंने क्या किया, she had omitted to pray. She was not, जब अब उन्होंने कुछ समय के लिए प्रेयर नहीं किया था तब उन्होंने क्या बोला, that I am not going to waste any time talking to us, any time talking to you people. उन्होंने घर पे सबको बोल दिया कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मैं अपना प्रेयर नहीं छोड़ सकती. उस समय तो उन्होंने गाना गा लिया थोड़े टाइम के लिए, अपना प्रेयर छोड़ दिया. बट नाउ शी इज सेइंग दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. वो जो टाइम उन्होंने गाना गा के वेस्ट कर दिया, उसमें उन्होंने प्रेयर नहीं किया, तो अब बचे हुए टाइम में वो हमसे किसी से बात नहीं करेंगी. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. हमने उनको प्रोटेस्ट किया, हमने उनसे प्रोटेस्ट किया, उनको समझाने की कोशिश की, बट वॉट डिड शी से, शी जस्ट इग्नोर्ड. उन्हें कुछ बोला नहीं, शी जस्ट इग्नोर्ड इट. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. वो अपने बेड पर चुपचाप जाकर पीसफुली लेट गई, एंड वाइल शी वॉज लेइंग डाउन शी केप्ट ऑन सेइंग हर प्रेयर्स एंड शी केप्ट ऑन टेलिंग हर बीड्स. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल डाउन fell from her lifeless fingers. इससे पहले कि हमें कुछ अंदाज़ा होता, हमें थोड़ा सा भी डाउट हो पाता, her lips stopped from moving and the rosary fell from her lifeless fingers. उनके हाथ में जो रोजरी थी, जो माला थी, वो उनके हाथों से गिर गई और उनके जो होंठ थे जो कॉन्स्टेंटली प्रेयर में मूव हो रहे थे वो उस समय बंद हो गए. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब उनके फेस पे बहुत पीसफुल, उनका चेहरा वैसे भी पेल था. दिस पैलर मीन्स अ पेलनेस ऑन द फेस. अब वो जो पेलनेस थी, वो जो पैलर था उनके फेस में, दैट लुक्ड वेरी पीसफुल. और उनको देख के उनकी बॉडी में जो पीस हमें दिख रहा था, उनके चेहरे में जो पीस हमें दिख रहा था, उससे हमें समझ में आ गया दैट शी वॉज डेड. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने पूरे रीति रिवाज को फॉलो करते हुए, सब कुछ करते हुए उनको बेड से उठाकर नीचे फ्लोर पर रखा और उन पर क्या डाला, एक रेड कलर का श्राउड या एक रेड कलर का कपड़ा डाला. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. अब कुछ समय हम सभी बहुत दुखी थे, obviously suddenly दादी के चले जाना इज वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. सो कुछ समय सब लोग बहुत कुछ समय तक बहुत दुखी रहे, बट फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके क्रिमेशन की, उनके अंतिम संस्कार की प्रिपरेशन करने के लिए वो लोग बाहर चले गए दादी को वहाँ कमरे में अकेला छोड़कर. नाउ वॉट हैपन्स इज, दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुल इंसिडेंट यहाँ पर मैंशन किया हुआ है. वॉट इज़ इट हियर, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड. अब शाम को हम उनके कमरे में गए स्ट्रेचर लेकर ताकि हम उन्हें ले जाएं क्रिमेशन के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. अब जब सनलाइट जब सन सेट हो रहा था तो एक बहुत गोल्डन कलर का लाइट हमें दिख रहा होता है, एंड दैट लाइट वॉज फॉलिंग इन टू हर रूम एंड दी वरांडा. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. Why did they stop? All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. मतलब जहाँ पर हमने दादी को लेटाया हुआ था वहाँ से लेकर वो पूरा वरांडा तक हजारों स्पैरोज बैठी हुई थी. हजारों, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर सैट स्कैटर, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर सिटिंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फैल फैल कर स्कैटर होकर बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज बैठी हुई थी. देर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन एक भी स्पैरो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती. देर वॉज नो चिरपिंग ऑफ द स्पैरोज. वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेट सम ब्रेड फॉर देम. मेरी मॉम को या मुझे या जितने भी लोग थे हम सबको बहुत बुरा लगा, एंड वॉट माई मदर डिड, शी फेच सम ब्रेड फॉर देम. शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू. उन्होंने ब्रेड्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू इट, एंड थ्रू इट टू देम, एंड शी गेव द ब्रेड क्रम्स टू द बर्ड्स. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. उन्होंने देखा ही नहीं ब्रेड की तरफ. दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब अपनी दादी को ले गए
जब हम दादी की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, उनको ले जाने के बाद जब वहाँ से दादी की बॉडी को हटा दिया गया, उसके बाद वो सारी स्पैरोज चुपचाप वहाँ से उड़कर चली गई। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, बिना एक आवाज़ के। यही स्पैरोज थी, दे यूज टू क्रिएट अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चेरपिंग्स। बहुत हल्ला करती थी, एक साथ आ जाती थी दादी के पास, खूब हल्ला करते थे। बट आज वो सारी चिड़िया बिल्कुल शांत है। दे वर सो कनेक्टेड टू ग्रैंड मदर दैट दे वर एबल टू सेंस दैट ग्रैंड मदर इज नो मोर। अब उनके बीच में जो बॉन्ड थी, उस बॉन्ड की उन बर्ड्स को इतनी रेस्पेक्ट थी कि अब दादी नहीं है तो कोई हल्ला भी नहीं करेगा। बिल्कुल एवरी सिंगल बर्ड वॉज क्वाइट एंड दे ऑल फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि उस ब्रेड को तो किसी बर्ड ने छुआ नहीं था, बस जो स्वीपर है, जो हाउस हेल्प था, उसने उसको झाड़ कर अलग कर दिया और उसको झाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। तो ब्रेड क्रम्स जितने भी फैले हुए थे, उन सबको ब्रेड क्रम्स को झाड़ कर उसने डस्टबिन में डाल दिया। सो दिस विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर टेक्स्ट एंड यू माइट हैव फेल्ट कनेक्टेड, बिकॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, जब मैंने इस चैप्टर को मैंने पढ़ा था, आई लिटरली फेल इन टू टीयर्स। दिस चैप्टर इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड एवरी टाइम वैन यू रीड राइटिंग्स ऑफ खुशवंत सिंह जी, यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू द टेक्स्ट। उनकी राइटिंग स्टाइल इतनी अच्छी दैट यू विल फील लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। सो विद दिस आई वुड रैप अप द चैप्टर हियर। ओके, इसके आपको नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल बी प्रोवाइडेड विद दैट। टिल देन जस्ट गिव दिस चैप्टर वन मोर रीड। इफ एट ऑल यू हैव एनी डाउट्स, वी विल क्लियर दैट। फाइन, ओके देन, सी यू ऑल सून।